वेलकम टू एपिसोड थ्री ऑफ वेजिटेरियन मील सीरीज आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर एकदम ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कढ़ाई मसाला बनाना होता है रोस्ट करेंगे मसाले को ये कौन कौन से मसाले आपको कैप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सॉल्ट के साथ इसको रोस्ट करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे अब हमें पनीर को फ्राई करना है तो उसके लिए एक पैन में घी ले लिया है हल्दी और लाल मिर्च कलर के लिए सारे पनीर को मैंने लंबा लंबा काटा है इसलिए सारी सब्जियां भी लंबी लंबी काटी है और पनीर को पहले फ्राई कर लेंगे उसके बाद कैप्सिकम अनियन और टोमेटोज उनको भी लंबा लंबा काट के साथ में फ्राई करेंगे टॉस करके माई फेवरेट पार्ट इन कढ़ाई पनीर की ये बहुत ही कलरफुल दिखता है अब हम एक प्योरी बनाएंगे टोमेटो का जिसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और डाला है है और इसको पीस लेंगे अच्छे से पेस्ट बना के नाउ अब आता है कुकिंग का मेन पार्ट पैन में ले लेंगे घी जीरा डाला है सिनेमन और बड़ी इलायची प्याज को अच्छे से भून लिया है फिर टोमेटो की प्यूरी डाल देंगे हल्दी नमक और जो प्रिपेयर्ड मसाला था वो अच्छे से भून लेंगे नाउ वी विल एड द रोस्टेड पनीर एंड सब्जियां और अच्छे से मिक्स कर लेंगे लास्ट में गार्निश करेंगे धनिया के पत्ते के साथ सर्व कर रही हूँ जीरा राइस के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स आपको कैप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो डू गिव इट अ ट्राई